सब्सक्राइब कीजिए पीबी न्यूज चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइए। हाय गाइस, मैं परेश पीबी न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फोन का कॉल लॉक कैसे एडिट कर सकते हो। ये ट्रिक जानने के बाद मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। अभी इस कॉल लॉक से क्या क्या लफड़ा हो सकता है, क्या प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि जिंदगी में आपको कभी ना कभी इस प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा और उस वक्त आपको ये वीडियो फायदेशीर रहेगा। तो मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूं और उस पे आपको सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। यहां पे सपोज आप किसी एक गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, अभी एग्जांपल में गर्लफ्रेंड का नाम लेके आपको बता रहा हूँ। सपोज आपके दो गर्लफ्रेंड है, तीन गर्लफ्रेंड है, तो यहाँ पे आप गर्लफ्रेंड की जगह पे आपका बॉस हो सकता है, गर्लफ्रेंड की जगह पे आपकी माँ हो सकती है, पिताजी हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको गर्लफ्रेंड के हिसाब से ये एग्जांपल समझा के बताऊंगा। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपने थोड़ा भी स्किप किया ना तो ये आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ। सपोज आप किसी एक गर्लफ्रेंड से यानी फर्स्ट गर्लफ्रेंड से आप बात कर रहे हो। अभी मैं यहाँ पे फर्स्ट गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे मैं कॉल ड्यूरेशन आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं 16 सेकंड उससे बात किया हूँ। उसी वक्त बात करते टाइम मुझे मेरे सेकंड गर्लफ्रेंड का कॉल आया, तो उसको मेरा फोन बिजी बताएगा। तो बिजी बताने के बाद सामने वाली दूसरी गर्लफ्रेंड मुझे क्या बोलेगी कि भाई तेरा फोन क्यों बिजी आ रहा था, तो किससे बात कर रहा था, मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज, नहीं तो वो खुद अपना फोन चेक करने आपके घर पे आ जाएगी, नहीं तो आपका फोन आपसे मांग के चेक करेगी कि आप एक्चुअली बात किससे कर रहे थे। तब उसका नंबर, सपोज मैं फर्स्ट गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था तो वहाँ पे टाइम भी पता चल जाएगा, और अगर आपने इसको डिलीट कर दिया तो उसका शक और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते और आप उससे बचना चाहते हो, तो यहाँ पे सपोज वो क्या करेगी, सपोज डायरेक्ट आपका मोबाइल चेक करेगी, मोबाइल में देखेगी कि कौन से नंबर से बात कर रही थी, नंबर भी आ जाएगा, कॉल ड्यूरेशन आ जाएगा, कॉल टाइम यहाँ पे आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए आपको कुछ भी यहाँ पे रास्ता आज तक नहीं था, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इससे बचने का मैं आपको एक सटीक रास्ता बताऊंगा। तो ये सपोज उसने चेक कर लिया तो आपका भांडा वहां पे फूट जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक फेक कॉल जनरेट करना होगा। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, कॉल लॉक एडिटर इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना होगा। इसको 4.7 की रेटिंग दी गई, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, अच्छे से काम कर लेता है। अभी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू पासवर्ड, मतलब यहाँ पे कुछ भी एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो मैं 1122 यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, कन्फर्म पासवर्ड कर देता हूँ 1122। यहाँ पे पासवर्ड मैंने क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ये एप्लीकेशन ओपन हो गई। अभी मैं यहाँ पे एलो कर देता हूँ। एलो करने के बाद यहाँ पे मेरे फ़ोन में दो यहाँ पे कॉल आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दो कॉल दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपको ये दोनों के दोनों कॉल यहाँ से डिलीट कर देनी है, डिलीट कर देनी है यहाँ से। ये मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे एक भी कॉल अभी नहीं है। तो इस एप्लीकेशन में फिर से एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद मैं आपको अगली प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे अभी एक भी कॉल आपको नहीं बता रहा है। तो आपको सबसे पहले एक ऊपर एक दो आइकन दिखाई रहा है, एक सेटिंग का आइकन दिखा रहा है और उसके बाजू में एक कॉल लॉक का आइकन दिखाई दे रहा है। सिंपली उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रॉम कॉन्टैक्ट और फ्रॉम एंटर नंबर, तो एंटर नंबर पे आपको क्लिक कर देना है, चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नंबर डाल देता हूँ। नंबर डालने के बाद इस नंबर को यहाँ पे डन कर लेना है। डन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा रहा है नीचे ऑप्शन आउटगोइंग कॉल, इनकमिंग कॉल, मिस कॉल और रिजेक्ट कॉल। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपने कॉल किया था या सामने से कॉल किया गया था। यहाँ पे आपको आपके हिसाब से चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे सामने से कॉल आया था तो मैं इनकमिंग कॉल कर लेता हूँ। उसके बाद कॉल डेट, यहाँ पे कॉल डेट मैं आज के ही रहने देता हूँ। कॉल टाइम, उसका जब आपको मिस कॉल आया था तो वो कॉल टाइम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं 12:03 कर लेता हूँ। 3 मिनट करने के बाद यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं उससे कितने
सेकंड बात किया था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16 सेकंड मैंने बात किया था उससे, 16 सेकंड मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद सेट ड्यूरेशन क्लिक कर देता हूँ। सेट ड्यूरेशन क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। अपडेट पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे जो कॉल हिस्ट्री है उसमें ये नंबर आ जाएगा। मैं आपको दिखा दूँ, देखिएगा ये नंबर यहाँ पे आ गया। मैंने इससे बात भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आ गया। अभी डिटेल में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा डिटेल में जाके 12 बजे यहाँ पे 16 सेकंड मैंने बात की है इस नंबर से। मतलब यहाँ से मुझे कॉल आया 12 बज के यहाँ पे 3 मिनट में मुझे कॉल आया, उस पर मैं 16 सेकंड बात किया और ये नंबर यहाँ पे आपके कॉल लॉग में आ जाएगा। तो आपकी गर्लफ्रेंड होगी, आपकी माताजी होगी, आपका भाई होगा, बहन होगा, पिताजी होगे, जो भी होंगे उनको आप डायरेक्टली ये फेक कॉल जनरेट करके बता सकते हो कि आप कौन से नंबर से बात कर रहे थे। यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल सकते हो। सपोज आपकी गर्लफ्रेंड का आपको कॉल आ रहा था, उसी वक्त आप बिजी होंगे, तो यहाँ पे आपके होम मतलब आपका घर का नंबर आप डाल सकते हो, आपके पिताजी के नंबर डाल सकते हो, बहन का नंबर डाल सकते हो, भाई का नंबर डाल सकते हो। और जब आपकी गर्लफ्रेंड आपका फ़ोन चेक करेगी तो देखेगी तो वहाँ पे वो नंबर आपका घर का होगा, तो आपके रिलेशन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरह से ये फेक कॉल लॉक काम करता है। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा विस्तार से समझाने की इस वीडियो में कोशिश की है। तो अगर आपको ये समझ आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि पीबी न्यूज़ पे आपकी फ़ायदे की बात होती है, इसलिए पीबी न्यूज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।